दरहान वैली। ये जंगल हमारे विलेज से बहुत दूर 3 घंटे का सफर पार करने के बाद आता है, जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिडन जेम लोकेशन और डेस्टिनेशन नांगी माल। इस जगह में पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है। रास्ते के बीचों बीच बहुत सारे कांटों की झाड़ियों से जंगली जानवर के खतरे का सामना करके जाने वाले हैं बहुत दूर। मेरे साथ होंगे सिर्फ 2 लोग, मेरे कजिन मिस्टर साकिब मलिक एंड सोहेल मलिक। चलो अब बहुत मजा आने वाला है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फाइनली दोस्तों हमारी खुशी की झलक जो है वो ज्यादा उठ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने शुरू हो गए हैं कुछ, और ज्यादा से ज्यादा तादाद जो है कुछ की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओ भाई साहब कितनी प्यारी और खूबसूरत जगह है, देखो गाइस देखो दोस्तों क्या जगह है, इतनी खूबसूरत। भाई साहब मेरी टांगे बहुत ज्यादा थक चुकी हैं और दर्द कर रही हैं, मेरी टांगे जो है जवाब दे चुकी हैं। यार कसम से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई, मतलब आपने मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि यहाँ पहुंच। सो हे दोस्तों वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम कहीं जा रहे हैं पीछे की तरफ जंगल में। जंगल में एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे लिए फलों की कोई कमी नहीं, उसी के लालच में फल खाने जा रहे हैं। सो दोस्तों हम खाने जा रहे हैं कुछ, कुछ एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं फ्रूट। फ्रूट समझा जाए कि एक ऐसा फ्रूट जो अंदर से बिल्कुल खून की तरह उसका पानी निकलता है, और हाँ साथ में वो बिल्कुल बाहर से काला होता है, और जब खाएंगे तो मिठास उसकी मुँह में जब लगती है तो बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ सबर का फल मिल गया। निकल चुके हैं घर से, बहुत देर हो चुकी है, हम लोगों को जल्दी निकलना था सुबह सुबह, और वैसे भी इस रोड से और गुजरते हुए सीधा जाएंगे पीछे की तरफ, और अब मिलेंगे हम सीधा साकिब भाई के पास, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और उसके बाद हम निकलते हैं आगे, बने रहे। तो दोस्तों हमारे जंगल की तरफ एंट्री होने वाली है, और एंट्री से पहले कुछ चंद बातें बता देता हूँ, क्योंकि इससे आगे जो है आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इससे आगे बहुत सारी खूबसूरती है। हर चीज जो आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में हर चीज आपको प्यारी लगे, इतना खूबसूरत जंगल है यहाँ। मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने आया हूँ, मैं नेचर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा व्लॉग करना इसी पर्पज के लिए। और मैंने अभी साकिब भाई से फोन पे बात करी है, उन्होंने कहा है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन वो असल में अभी डॉक में है, और हम रास्ते से निकल रहे हैं। ये आपको जंगल इस तरह का दिख रहा होगा, बिल्कुल घना हो गया जंगल। हम पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है बल्ली वाली, और यहाँ से हमारी हमारी जर्नी की असली शुरुआत यहीं से होती है। अगर धूप होती तो आज हमारी वाट लगती, वरना कुछ ना होती तो सीधा गर्मी लगती, और ना चढ़ती और ना बैठना होती। तो हम पहुंच चुके हैं इस जगह का नाम है तम्मे वैली, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने पिछले व्लॉग में बहुत एंजॉय किया है, और समर व्लॉग में ये जो फल अभी लग रहे हैं इसको हमारे यहाँ पे कुरगल बोला जाता है, शिमलू बोला जाता है, लेकिन अभी ये कच्चे हैं, जब ये पक जाते हैं तो बिल्कुल काले हो जाते हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल मीठा होता है, और इसके अंदर का जो कलर होता है वो लिक्विड कलर जो होता है वो लाल होता है। सो दोस्तों ये फ्रूट ऐसे नेचुरल कैप्सूल है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, बहुत सारी हेल्दी बेनिफिट है उसमें, हमें खून मिलता है इससे, और मिठास भी बहुत अच्छी होती है, नेचुरल होती है, और इसको खाने के बाद जो अंदर से इंसान को खुशी आती है, रिलैक्स हो जाता है, कम्फर्ट हो जाता है खाने के बावजूद। अक्सर हर साल इसी महीने में जून जुलाई के महीने में ये चीज खाने जाते हैं जंगल। दोस्तों हम जहाँ तक पहुँचने वाले थे पहुँच चुके थे बहुत पहले, खाना खा के हम निकले, अभी साकिब भाई को यहाँ से पिक किया हमने, और साकिब भाई हमारे से थोड़े आगे निकल चुके हैं, कितनी खाई है नीचे। हम यहाँ से गुजर के जा रहे हैं रास्ते रास्ते पकड़ के, 12 बजने वाले हैं, हम लोग घर से निकले थे 11 बजे, 1 घंटा हमें बहुत जल्दी पहुंचे यहाँ तक, 1 घंटा, तो सोचो हमने कितना जल्दी यहाँ तक का सफर पूरा किया। लेकिन खैर हम जहाँ तक हमारी मंजिल है वहाँ पहुँचने के लिए हमें 1 बज जाएंगे, हो सकता है हम जल्दी पहुँच जाए, लेकिन थोड़ी रफ्तार जो है अपने कदमों की बढ़ानी पड़ेगी, तो चलने में तकलीफ हो रही है मुझे, हम मुझे यहाँ से देख के चलना पड़ेगा, और पत्थर से गुजरते हुए यहाँ से जा रहे हैं। देखो भाई कितने प्यारे प्यारे। तो दोस्तों एक और टाइप का होता है ये खाना, ये भी अलग का फ्रूट, ये भी बहुत अलग है, और इसका भी टेस्टी
मजेदार, ये ज्यादा मीठा है। इसी तरह गाइस बने रहे क्योंकि हम आपको अलग अलग वैरायटीज के फ्रूट बताने वाले जो अक्सर जंगलों में पाए जाते हैं। हाई पे आ चुके हैं और देख लो कितना ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पे चारों जानिब हरा भरा जंगल है और बिल्कुल घना जंगल भी है आगे की तरफ। आगे का सफर और काफी टफ होने वाला है, बहुत टफ। आई डोंट नो क्या हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल के साथ रास्ते पे चल रहे हैं इंशाल्लाह। फ्रूट के लिए हम आए हैं, उनका पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन इसमें कोई फ्रूट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है क्योंकि हेल स्टॉर्म हुआ था। हेल स्टॉर्म के चक्कर में जो है यहाँ से इस पेड़ पे फूल जो लगे थे बाहर के मौसम में वो क्या होता है कि गिर जाते हैं, खतरनाक होता है। यहाँ पे जो पेड़ पे लगा होता है सब गिर जाता है। और यहाँ से हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एक जंगली सब्जी जो है हमने ढूंढ ली है यहाँ पे। और ये जो है सब्जी अक्सर ज्यादा जंगलों में पाई जाती है और इसको हम लेकर चलेंगे साथ में, जब कभी काम आए घर लेके जाएंगे और फिर उसको बना के खाएंगे। तो हम लोगों ने पावर बैंक साथ में लाया था क्योंकि लाना जरूरी है, जंगल में कोई लाइट वगैरह नहीं है, यहाँ पे हम लोग फोन चार्ज कर रहे हैं। और ये है जंगल बहुत खूबसूरत। एक और वैरायटी होती है फ्रूट की जो अभी इनके पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं बिल्कुल झाड़ियों की तरह होती है। और ये जो है अभी इनकी शुरुआत हो रही है, छोटे छोटे हैं अभी, इनको काफी टाइम लगेगा, एक दो महीना लगेगा, इनको टाइम लगता है हर चीज में। फ्रूट जो है वो देखो कैसे गुजरना हो रहा है हमारा यहाँ से, और बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। निकलो भाई, क्या हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा? और भाई 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 कांटा 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 घुस गया भाई, बचा लो यार, मुश्किल हो रही है यार गुजर। ये देखो भाई कांटा, इस रास्ते में देखो झाड़ियाँ कैसी हैं, कांटे की झाड़ियाँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई। मैंने कहा था, क्या हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे हम? हैं भाई, मेरे पास बैग लगा हुआ है इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है चढ़ने में। कहाँ जा रहे हैं अभी, रास्ता ही नहीं है आगे, आपको मालूम नहीं है रास्ता? यार सही बताओ यार, कहीं गलत ना हो जाए यार, वहाँ से कहीं भाई वहाँ से गुजर के जाएंगे अब, इसलिए हम फोकस करेंगे रास्ता ढूंढने के लिए। चलो अब हम वहीं जाके मिलेंगे जिंदा। फ्रूट हमें जंगल में मिला है, ये भी एक वैरायटी है फ्रूट्स का, इसको हम खाएंगे, बिल्कुल लाल है, अब ये पके हुए हैं और अभी इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक होता है, मीठा है यार, ट्राई कर ले। मेरी तो भाई फट रही है, अबे खा तो ले, खा तो लेना पहले, मीठा है, मीठा जहर होता तो कड़वा होता, मीठा है यार गाइस, बहुत मीठा है दोस्तों, मीठा तो है। अबे यार ये देखो यार, कीड़ा आ गया इसमें, हट। हाँ यार बहुत मीठा है, ये खाने वाली चीज ही है ना, है? पका खाने वाली चीज ही है ना? अबे खाने वाली चीज है यार ये ना भाई, ये नदीम और मैं दोनों साथ में खाते थे, ये हमें मिलते थे वो नीचे जड़ी वाली के साथ, वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए इस टाइप, अगर कहीं और भी मिल गए ना तो बहुत मिलेंगे हमें। पहली बार टेस्ट का काफी अच्छा है, बहुत अच्छा और यूनिक टेस्ट है, मैंने बहुत बार खाई है ये भाई खैर अभी खा रहे हैं। आपने कभी टेस्ट किया पहले? इसने किया होगा शायद, इसको याद होगा, ये भूल गया, नाम पता नहीं क्या है यार इसका, काफी अच्छा टेस्ट। हमारे जो डाला है ना उसके नीचे होते हैं, ये क्या होते हैं, तीन पेड़ है, ककड़ी भी होती है ना? अरे ककड़ी कहते हैं, अब यार हमारे यहाँ पे ककड़ी कही जाती है, इसमें बीज बहुत ज्यादा होते हैं और बीज के ऊपर ऊपर इसके जो है, और हमें जंगली स्ट्रॉबेरीज भी दिख रही हैं छोटी छोटी। तो बीज भी खा गया है, मैं तो बीज नहीं खाना है, जो जो बीच वाला ऊपर वाला एरिया है ना वही खाना है, मैं तो बीज भी खा गया। चलो कुछ नहीं होता, बीज भी खा लो, कोई कुछ परेशानी नहीं, अभी और भी ढूंढ लो, बहुत मिलेंगे। तो गाइस हमने थैली भर के रखी है स्ट्रॉबेरीज की, इसको अक्सर हमें खट्टे आखरे बोलते हैं, ये जंगली आखरे होते हैं और ये रास्ते रास्ते में हमें मिलते रहेंगे और इसको हम जो है रास्ते में खाते जाएंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी फिलहाल यही खाने को है हमारे पास, एक बज गया है क्या, एक नहीं बजे अभी, बजने वाले हैं, किसी ना किसी तरह पूरी वीडियो देखते रहे बिना स्किप किए, आपको बहुत मजा आने वाला है, थोड़े नेचर का मजा लिया करो क्योंकि अक्सर लोग जो है ट्रिप वगैरह की प्लानिंग करते हैं, कहीं भी जाने की प्लानिंग करते हैं पहले वो यही देखते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अब हमें पानी मिल गया है और हम करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पानी पी के अब निकलेंगे जल्दी से, और भूख प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। और अभी फिलहाल हम यहाँ से गुजर रहे हैं जंगलों के बीचों बीच, जहाँ से आपको कितने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, और ये असल में पेड़ जो है ऊंची जगह पे होते हैं सबसे ज्यादा, और यहाँ से हम पानी पियेंगे। देखो पानी गंदा मत करो, मुंह लगा के पी लो, पानी बहुत कम आ रहा है पीछे से। तो दोस्तों यहाँ पानी पीने का तरीका हमारा ऐसा है, गंदगी बहुत है, गंदगी थोड़ी सी हटानी पड़ती है और उसके बाद जो है मजा आ गया।
हमारे पास कोई बोतल नहीं है, हम भर के लेके जाते हैं यहाँ से। चलो खैर जैसे कैसे करके पी लेंगे। कुछ लगने यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये देख सकते हो आप, अभी बिल्कुल लाल हैं, पके हुए नहीं है। यहाँ पे जब कोई पका हुआ नजर आएगा तब हमें, हाँ हमें पका हुआ नजर आ गया। मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल खून की तरह होता है अंदर से, देखो गिर गया और ये है बिल्कुल खून की तरह। और इसको खाने में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अब मुझे लगता है फ्रूट जो है हमें दिखने स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से आगे बहुत लगे होंगे। आई होप हम मजे से खाएंगे वहीं चल के। नहीं बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है लोग, भाई साहब क्या टेस्टी है यार। ओए हो अभी कच्चे बहुत ज्यादा हैं यार, पके हुए हैं एक ही तो है, वो बाकी वो लगे हुए यार बहुत सारे। वो देखो वो सामने, हाँ पेड़ नीचे करो, देखो कहाँ है, हाथ पे नहीं आ रहा है, निकाल निकाल। सारे खा रहा है, इधर भी दे। देखो सर क्या है, यही है कुछ जिसके लिए हम आए हैं। सो फाइनली दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने शुरू हो गए हैं कुछ, और ज्यादा से ज्यादा तादाद जो है कुछ की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये देख सकते हो आपने पूरा जंगल भरा हुआ, हरा भरा, हरा भरा, लाल लाल है, लाल लाल है। ये देखो इधर उधर लेन देन हो रही है। खुद खाओ यार, खुद खाओ, लेन देन मत करो, ऊपर से निकालना चाहिए था। ये देखो गाइस यहाँ पे हमें मिला है, गिर ना जाओ भाई, संभल के देखो ये है। अबे यार हाथ में कुछ ना आया, ये आ गया। ये देख लो गाइस कितना मजेदार होगा, देखो हमारे हाथ जो है वो लाल होने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना बड़ी बारीकी से तोड़ा जाता है इसको, क्योंकि ये फिसक जाते हैं बहुत जल्दी। मजा बहुत है, टेस्टी आ रहा है और पुराने स्वाद जो है वो वापस आ रहे हैं। आगे बहुत जंगल है, रास्ता भी देख लो नहीं है, हमें कहीं ना कहीं पांव रख के चलना हो रहा है, इसलिए हम निकलते हैं जल्दी से यहाँ से ऊपर की तरफ। हम लोग रास्ता हमारा भूल चुका है, यहाँ पे हम भटक चुके हैं और हमें जाना था बहुत नीचे। कितने फुट हो सकता है नीचे हमें जाना था? कम से कम 100 फुट नीचे होगा हमारा, यहाँ पे हमें जाना था 100 फुट नीचे। ज्यादा है भाई साहब, 200 फीट 300 फीट होगा, बहुत दूर है नीचे। हैं? कम से कम 500 मीटर। अबे भाई साहब बहुत दूर है यार नीचे, जहाँ हमें जाना था कुछ खाना था वो नीचे है बहुत, और हम बहुत ऊपर आ गए भाई, बहुत ऊपर। कितनी प्यारी जगह और खूबसूरत, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह हमें इस जगह पे आना पड़ेगा। हाय हाय, चलो हमें जहाँ जाना है पहले हम गए थे ना वहीं चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बारिश हुई थी, इस बार बारिश नहीं है, मौसम एकदम बहुत अच्छा है। अगर सीधे सीधे हम सीधे जाएंगे ना वहाँ पे, कौन सी नोंगी माल, वो जगह का नाम है नोंगी माल, और बहुत प्यारी जगह है, साफ सुथरी जगह है, और वहाँ पे कोई जो है जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। और अबल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यह प्यारे प्यारे फूल शुरू हो चुके हैं। एक तरफ भूख लगी हुई है, हमने जो खाना लाया था वो अभी बैग में ही है, हमने खाया नहीं अभी तक। अब देखो गाइस कितना खाई है बहुत नीचे, और हमारे बिल्कुल जस्ट सामने जो है वो एरिया जहाँ पे हम लोगों को जाना भी है और गए भी है। और ये रास्ता जो है इतना टफ है, यहीं से गुजरते हुए जा रहे हैं। अबे भाई गिर गया था यार, देखो यार कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे सीधा रास्ता आगे की तरफ जाता है। और देखो सर, ओए भाई हम बहुत ऊंची जगह पहुंच चुके हैं, ओए ओए भाई साहब, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह ऐसी होगी। सो गाइस ओ भाई साहब कितनी प्यारी और खूबसूरत जगह है, देखो गाइस देखो। ओ भाई कोट रंग का है ना ये, परोड़ी, अच्छा परोड़ी है ये, परोड़ी वो है, वो परोड़ी है ये, वो पूरा परोड़ी है वो। हाँ वो रहा रेहान, पता कहाँ वो जो रोड ऐसे नहीं निकली भी, जी जी वो, हाँ हाँ बस वो रेहान को जाती है उधर, अगर अभी रेहान चले तो पहुंच जाएंगे बड़े आराम। अगर नीचे की तरफ रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, मानना पड़ेगा यार। यहाँ के फूल देखो यार, ओ भाई इतने प्यारे फूल हैं यार। दोस्तों क्या जगह है, इतनी खूबसूरत। भाई साहब मेरी टांगे बहुत ज्यादा थक चुकी हैं और दर्द कर रही हैं, मेरी टांगे जो है जवाब दे चुकी हैं। फिलहाल हमें जहाँ तक पहुँचना था हम रास्ता गलत लेके आ गए थे, लेकिन जगह देखो भाई साहब कितनी अच्छी आ गई यहाँ हमारे आंखों में। और ये देखो सुंदर इलाका है ना,
हाँ कसम से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई। मतलब आपने मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने भी नहीं किया था भाई, मैंने सोचा अभी काफी हाइट पे आ जाएंगे। देखो यार फिर भी बहुत हाइट थी। हाँ काफी हाइट पकड़ ली आपको पता है। हाँ बहुत हाइट पे। मैं आपको बोल रहा था डन्नी डन्नी, ये वो डन्नी है। ये जहाँ मैं हम पिछली बार आए थे वो आगे की तरफ है। चलेंगे हाँ वहाँ चले यार, टाइम बहुत कम है यार हम लोगों ने। चलेंगे कुछ खानी पड़ेगी ना। अरे यार इतने में आप नहीं खा पाओगे भाई, यहाँ से आपको पता है एक घंटा नीचे पहुँचने में लगेगा। एक घंटा क्या खाओगे? तो फिर काम करते ना, चलते ही है यार, खा के ही जाएंगे। थोड़ा बहुत तो खा के जो टाइम बचेगा कम। वहाँ पे और ये एरिया आपको देखो कैसे लग रहा होगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे चलते हुए बहुत मजा आ रहा है हमें, और हम एकदम सिक्योर हैं। हम सिक्योर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पर्सनल रीजंस थे हम नहीं बता सकते, बट मजा आया। भाई साहब वाट लग गई हमारी अंदर अंदर। देख सकते हो भाई, देखो सर जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं माल मवेशी लेके यहाँ पे जंगल में रहने के लिए, अक्सर गर्मी में यहीं पे आते हैं। लेकिन खैर ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया है अभी के अभी, और जो है पेट भर चुका है, हमें बहुत भूख लग रही थी इसलिए हमने थोड़ा जल्दी खा लिया था। मैंने उनको कहा था, मैंने मना किया था कि अभी मत खाओ, अभी जो है हम लोग पानी में जाके खाएंगे, अभी पानी नहीं मिल रहा है हमें। और अब पानी में जाके पहुँचे के पानी पियेंगे तो थोड़ा फील होगा कि हमने कुछ खाया है। अभी फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो है ये घर है। दोस्तों बारिश बहुत तेज आने वाली है यहाँ पे, सुनने में आ रहा है, दिखने में लग रहा है यहाँ से थोड़ी बारिश हो रही थी, अब तो नहीं दिख रही है, क्या पता बारिश हो जाए रास्ते में जाते हुए, इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस बने रहें वीडियो में, हम इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करें, और उसके बाद अपने दोस्तों तक ये वीडियोज वगैरह शेयर करते रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वो कमेंट भी कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ का नेचर कैसा लगा आपको, और यहाँ पे हमने जो एंजॉय किया है ये आपको कैसा लगा, आपको अच्छा फील हुआ या नहीं हुआ। और इसके बाद जो है आप लोग जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। पानी मिल गया है, ज्यादा पानी तो नहीं है, अब क्या ही पिए यार, हाथ ही धो सकते हैं। आगे को देखो पानी मिल सकता है।